सो फो सो फॉर फर्दर जो वीक है उसकी तैयारी के लिए और उसके लिए जो एनालिसिस है वो हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं बता दूं इस वीक बहुत ही ट्रमेंडस बदलाव हुए हैं स्ट्रक्चर्स में तो so हमें डिटेल या थोड़ा टाइम लग सकता है हर एक पैट हर एक स्क्रिप्ट क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग रूम में नहीं है राइट सो so जब पैटर्न इन दी मोमेंट चेंज हो रहा होता है दैट टाइम आई कै नॉट अपडेट यू राइट सो मे बी वी माई टेक टाइम मोर टाइम्स एज ए रेगुलर बट लेट कोशिश कर, कोशिश करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी एंड गोल्ड एंड सिल्वर क्योंकि ये ही मेजर फोर स्क्रिप्ट है जहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज चेंज है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर डेली स्ट्रक्चर चेंज है बट गोल्ड एंड सिल्वर पे वीकली एंड मंथली स्ट्रक्चर चेंज है सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड आपकी क्यूरीज एंड क्वेश्चन आप स्क्रिप्ट पर हैं या कहीं पर हैं तो आप भेज सकते हैं ये ऑफिशियल स्क्रिप्ट होने के बाद मैं उन्हें अपडेट कर देता हूँ सो सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द निफ्टी दैन सो so, निफ्टी पर हुआ क्या है इस वीक हमारा ये जो लास्ट डिमांड जोन था राइट right? वो वॉयलेट हुआ है और उसके बाद एक पीस पूरा नीचे हमें मिल गया है जो कि इससे बड़ा है रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हो इसकी जो साइज़ है वो इससे बड़ी है सो वाट पैटर्न इज दैट एंड वट इज़ द सीन एंड सिनारी देखो मंथली टाइम फ्रेम ख़त्म होने में है। हमारे पास अभी भी पाँच दिन है राइट सो वेन यू लुक एट द मंथली स्ट्रक्चर ये वॉयलेट हो चुका है और हम नीचे आ चुके हैं अगर नेक्स्ट वीक में आज मार्केट ढाई सौ पॉइंट ऊपर है राइट सो नेक्स्ट वीक में इसको जरा दिमाग में बिठा लो अगर ये लेवल होल्ड ऑन नहीं करते हैं अरे सो इन दैट केस आप यहां पर करेक्ट करोगे ये पूरा का पूरा इम्पल्स अरे बट अपार्ट फ्रॉम दैट जिसकी पॉसिबिलिटी है वो पहले डिस्कस करते हैं सो so जो पैटर्न आप यहां पर देख रहे हो दैट्स अ वेरी फॉर्मल करेक्टिव स्ट्रक्चर और ये फोर्थ वेव की कन्फर्म्ड करेक्शन है लास्ट वीक कन्फर्मेशन नहीं था एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो फोर्थ वेव की करेक्शन थी आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि ये जो हाइज हैं ये टैग होने के बाद या इस जोन में आए बट अपेरेंटली मार्केट ने वो फोर्थ वेव की करेक्शन राइट नाउ आपके सामने प्रजेंट कर दी इसका मतलब आप समझते हैं इसका मतलब ये है कि जो फिफ्थ वेव या जो नेक्स्ट पॉसिबल वेव होगी वो पॉसिबल है कि ये हाई या लाइफ टाइम हाई आपको निफ्टी में ना मिले जैसे कि वर्ल्ड मार्केट कैसे हो रहे हैं एस एन पी देख लो या फिर डी जे आई देख लो राइट कोई भी मार्केट अगर आप देखो तो मोस्ट प्रॉब्ली सबके जो सीन एंड सिनारी है नॉट दिस वन एस एन पी की बात करो सो मोस्ट प्रॉब्ली जो सबके सीन एंड है सब की सब रिलायंस की तरह है राइट एस पी एक्स से आती है वो वाली यस सो दे टैग दी ऑल टाइम हाई सो so, बहुत सारे मार्केट ऐसे हैं जिन्होंने ऑल टाइम हाई टैग कर दिया एंड दे आर एक्चुअली रिट्रेसिंग बैक नाउ बट निफ्टी दिस इज अमंग दोज मार्केट जहां पर आपका ये ऑल टाइम हाई टैग नहीं हुआ है और उसके पहले ही आपने इस वेव में फोर्थ करेक्शन दे दी है विच मीन्स ये जो करेक्शन है इज इक्वल टू दिस वन यू हैव अ प्रॉपर पीस वन टू एंड थ्री एंड द फोर्थ सो राइट नाउ आप फोर्थ वेव करेक्टिव स्ट्रक्चर में हो सो ऑल राइट अगर ये केस है तो वट द हैक इज दिस सो अगर फोर्थ वेव की करेक्शन है तो लेट्स मेक द बाइंग पोजिशन राइट सो अगर आपने बाइंग पोजिशन बनानी और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर इसमें शॉर्ट शॉर्ट टर्म सेल साइड भी देखना तो आपने इसको पहले आइडेंटि करना पड़ेगा एंड जिस हिसाब से ये अभी दिख रहा है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रॉपर एग्जैक्ट पैटर्न राइट इन टर्म्स ऑफ विद दिस रिलेशन एंड दिस इज अ डब्ल्यू एक्स वाई राइट सो so, अगर ये डब्ल्यू एक्स वाई है तो वट कम्स आफ्टर वाई इट्स अ पॉसिबल एक्स एंड द जेड राइट सो एक तो पॉसिबिलिटी आपके सामने ये है अगर ये कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर है तो ये सेम आपके सामने मार्केट कॉपी पेस्ट कर रहा है आपको याद होगा ये वाला जो फेज है यहाँ से आपको यहाँ तक मार्केट ने कॉपी पेस्ट करे थे ये वाले स्ट्रक्चर्स अगर आप देखो तो वट यू हैव यू हैव हैवपल्स यू हैव हैवपल्स यू हैव हैवपल्स राइट यू फ्लैटिश यू हैव अ फ्लैटिश यू हैव फ्लैटिश यू ड्रॉप लाइक ए क्रेजी और ड्रॉप लाइक ए सी वेव ड्रॉप लाइक ए सी वेव ड्रॉप लाइक ए सी वेव गो बैक अप गो बैक अप गो बैक अप राइट सो कॉपी पेस्ट सन आपके विद इन दिस इम्पल्स में हो गए थे लाइक लास्ट ईयर का एग्जाम इसी साल पूछ मीन लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इस साल फिर से आ गया ऐसा कुछ सो so, ये भी जो आपका फोर्थ वेव का करेक्शन हो रहा है आप इधर आ जाओ तो दे आर एक्चुअली इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए बी सी राइट उन्होंने इस टाइम भी आपको डब्ल्यू एक्स वाई दिया था और इस टाइम भी आपको डब्ल्यू एक्स वाई दे रहे हैं अरे इसका मतलब ये है कि इवन इफ दिस इज ए डब्ल्यू एक्स वाई देखो यहाँ पे दो पैटर्न होते हैं डब्ल्यू एक्स वाई एंड डब्ल्यू एक्स वाई जेड सो पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है कि जैसे ये एक्स वेव अगर खत्म हुआ और अगर मार्केट ने शूट अप नहीं किया तो यूल हैव अ सिमिलर लुकिंग जेड वेव राइट सो सोम सिमिलर लुकिंग जेड वेव सो दिस वॉज अ डब्ल्यू एक्स वाई दिस वॉज अ डब्ल्यू एक्स वाई कैसे अटैक करेंगे मार्केट को एनालिसिस की कंडीशन सुन लो ये वो बॉटम नहीं है जिसे मैं पसंद करता हूँ या फिर जिस हिसाब से मैं कन्फर्मली बोल देता हूँ कि यस ये जो वेव आपके सामने दिख रही है दिस इज एक्चुअली फिनिश्ड कम्प्लीट पीस सेम थिंग विद दिस ये भी वो वॉ ब बॉटम नहीं जिसे मैं जिस तरह से पसंद करता हूँ या जिस तरह से मैं जानता हूँ कि इस तरह से ईजीली आपकी uh, वेव ख़त्म हो जाती है और वो रीज़न ऐसा है कि आपको यहाँ पर एक वेव मिलती है और एक शार्पली करेक्टिव स्ट्रक्चर पुल्स बैक डाउन एंड देन इट इज़ प्रॉपरली फिनिश्ड दैट्स हाउ आई लाइक इट जस्ट बिकॉज उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ट्रेड परस्पेक्टिव में पर आप देख सकते हो कि इस तरह के बॉटम भी आपको मार्केट ने दिए हैं विच इज़ लाइक एक 2008 का जो डेली पर आपका क्रैश है उसका भी बॉटम सिमिलर है सो so उसमें भी एक्चुअली एक इंटरनल बाकी है बट फॉर सम रीज़न जो ट्रेंड या अकमलेशन होती है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि इसी बॉटम को वो क्वालिफाई करता है सो so एनालिसिस देखो और कंडीशन सुनो फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स अगर आपका मार्केट यही बॉटम को होल्ड ऑन करता है फॉर नेक्स्ट टू थ्री डेज मतलब कि नेक्स्ट टू थ्री ट्रेडिंग सेशन इस केस में हम यहाँ पर कोई भी एक्यूमलेशन या कोई भी पैटर्न देखेंगे जिसकी बाइंग अटैम्प्ट हम इस ट्रेंड लाइन तक लगा सकते हैं एंड होपफुली अगर ये डब्ल्यू एक्स वाई में ख़त्म होने वाला है पीस तो यही पीस आपका निकल जाएगा करना क्या है आपके पास दो चॉइस है अगर बिगिनर हो तो वेट एंड वॉच करते रहो जब तक आपका स्ट्रक्चर या तो ख़त्म ना हो या फिर आपको क्लियर कट एग्जाम क्लियर कट सिग्नल या फिर क्लियर कट एग्जीक्यूशन ना मिले अगर इंटरमीडिएट टू एडवांस हो तो इस वेव को ये देखो अभी सिर्फ एक पीस आया है वहाँ पर इट इट विल करेक्ट इन सम फॉर्म और लाइट विदाउट ब्रेकिंग दिस बॉटम सेम थिंग विद दिस यहाँ पर पीछे आ जाओ तो देख लोगे आप थोड़ा सा मुझे बड़ा करने दो तो ताकि मैं आपको समझा सकूँ सो एवं so, बॉटम देखो यहाँ पे एक इम्पल्स आप यहाँ कहीं खड़े हो आज की तारीख में विच मीन्स नेक्स्ट टू थ्री डेज में क्या करने वाले हो या तो आप ये बॉटम टैग कर दोगे उस केस में जो हम अभी बात कर रहे हैं टोटली रिजेक्ट हो जाएगा पर मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अगर आपका बॉटम सेफ है उसके बाद आपके वो इस इम्पल्स का करेक्शन यहाँ मिलता है विच मीन्स सारे करेक्टिव स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होने चाहिए और सारे के सारे 15 मिनट्स पर आप उन्हें ढूंढ सकते हैं यू हैव अ वन पीस पॉसिबल थ्री फोर इन एनी करेक्टिव स्ट्रक्चर शॉर्ट फॉर्म आप यहाँ पे देखते हो इसके बेस पे आप नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी लगा सकते हो यहाँ पे अग्रेसिवली बाय मत करना है क्योंकि ये है ना सीधा वेव लुढ़क जाएगा नीचे सो वेन द ब्रेक दिस स्ट्रक्चर दैट्स अ गुड बाय सो एक अटैम्प्ट तो आप यहाँ कर सकते हो सेकेंड अटैम्प्ट आप मार्केट में यहां कहीं कर सकते हो अगर ये फर्दर कंसोलिडेशन ऐसे करे तो एंड थर्ड अटैम्प्ट आफ्टर द ब्रेक द ट्रेंड लाइन ये तीन अटैम्प्ट हैं अपनी रिस्क कैपीटाइट देखो अपनी ट्रेड मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजीज देखो

के आसपास के लेवल्स आपको आराम से मार्केट दिखा देगा हालाइट सो दैट्स हाउ आई एम लुकिंग एट दिस मार्केट राइट नाउ एंड इफ यू वर टू सेल दिस मार्केट और लेट्स अगर आपने इसे सेल करना है फॉर सम रीजन आपके पास दो चॉइस हैं या तो अग्रेसिव हो जाओ और जैसे ये ब्रेक डाउन करता है एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लो शॉर्टर टाइम फ्रेम फ्लैक्स पर राइट बट दैट्स नॉट फॉर दी इंटरमीडिएट एंड एज वेल एज बिगिनर्स टोटली अवॉइड बट इफ यू कैन गेट दिस मार्केट टू द एक्स लाइन समवेयर देर हॉ राइट और यहां पर आपका एक शार्पली इंपल्स से ब्रेक नहीं हो रहा है यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग दिस स्ट्रक्चर दिस वे दिस वन सो दैट विल भी आई इंडिकेशन फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल मूव डाउन साइड ये मैं सिर्फ उन्हें बता रहा हूँ जो सेल साइड एक फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं मेरे लिए अभी दिमाग में ये पिक्चर नहीं है मेरे लिए यहाँ पर टोटली एक बाय सेटअप ढूंढ रहा हूँ मैं जो या तो मुझे इसके पुल बैक पर मिल जाए ये बहुत छोटा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ लेट मी मेक इट बिगर सो so, या तो मुझे इसके इम्पल्स के करेक्शन के बाद मिल जाए और इसको ब्रेकआउट पे हम लोग बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं या फिर इसके पुल बैक पर हमें यहाँ कहीं मिल जाए और राइट सो so, दोज आर दर टू प्लेसेज जहाँ पर मैं अपनी नज़र रख सकता हूँ फॉर द बाय साइड दिस विल बी द लास्ट अटैम्प्ट इन दिस रैली और राइट सो so, जिस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर कितने थे अगर ये फोर्थ वेव नहीं होती और यही वेव अगर यहाँ से निकल जाती तो यहाँ पर बहुत सारे और एडोन्स अटैम्प्ट होते पर क्योंकि आपके पास अब फोर्थ वेव डिक्लेरेशन में सामने खड़ी हुई है सो दीज विल बी द लास्ट अटेम्प्ट इन दी अप रैली ऑल राइट सो मेक श्योर यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट दैट्स अ निफ्टी फ्रॉम माई साइड बैंक निफ्टी की बात करें सो बैंक निफ्टी ऑल राइट सो इसको समझाने के लिए मे बी आई माइट टेक अ कपल ऑफ मोर मिनट्स बैंक निफ्टी एंड स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर आपकी क्यूरीज भी आ चुकी है मुझे इंडसन बैंक पर दिख रही है और कहाँ दिख रही है अपोलो टायर से हो तो चलो सो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर जितने हैं आपके पास सब के सब ऐसे ही पीस लेकर खड़े हुए हैं मोस्ट प्रॉब्बली एक्सिस बैंक हो गया आई बैंक हो गया इंडसन बैंक हो गया एंड बैंक निफ्टी इट्स सेल्फ राइट सो हाउ डू हाउ डू यू रीड दिस स्ट्रक्चर एंड हाउ डू यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पॉसिबिलिटी विच मार्केट इज रिप्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू यू काउंट दैट और हाउ डू यू रीड दैट एक दो तीन चार पाँचवा कहाँ पर है राइट right? एक तो वो केस है सेकेंड ये अगर ये वाला पीस यहां खत्म है सो वाट द हेक इज दिस पीस राइट जैसे हिसाब से इसकी रीडिंग्स आ रही हैं, इसने भी देखो ब्रेक डाउन किया हुआ है ये अपने आप में कोई भी कंप्लीट लेग नहीं है कंप्लीट पैटर्न नहीं है इट्स नॉट अ पैटर्न इट्स अ पार्ट ऑफ द पैटर्न राइट सो ये अपने आप में अभी पहला पीस बना रहा है So, जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो डिस्कस यहां पे करता हूं देखो जरा यहां पर लेट्स रीड दिस स्ट्रक्चर। सो वंस यू हैव दैट। ये ट्रेंड देखो पर। क्योंकि अगर निफ्टी ने, ने नेक्स्ट वीक अपना जो लो आज बनाया है वो अगर मेंटेन किया हुआ है राइट right? उसके बाद बैंक निफ्टी भी अगर यहां ट्रेंड लाइन के आसपास कोई सपोर्ट ढूंढ लेता है राइट सो right? so, इस कैंडल के बेस पे कोई भी जज मत कर लेना इसके बाद हमें कंफर्मेशन चाहिए अरे क्योंकि ये कैंडल क्या हो सकती है ये जो बस प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है आज फ्राइडे था ना मार्केट में सो so, इस वजह से दिस कुड बी जस्ट इट बाउंस ऑफ सो आपने इस कैंडल के बेस पे जज कुछ नहीं करना है ये कैंडल अपने आप में कुछ नहीं है अगर उसके बाद कोई करेक्टिव फेज ना हो तो फॉर दी अपसाइड सो अगर आपको वो करेक्टिव फेज मिलता है एंड स्पेशली ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है जो नीचे आ रही है तो फिर एक आप बाय अटेम्प्ट पर भी देख सकते हो वी आर टेकिंग दिस एज एट द राइट नाउ एज अ लीडिंग डायगनल वन टू थ्री फोर एंड द फिफ्थ वेव एंड देन जैसे ही आपका टैग होगा यू कैन सी द रेजिस्टेंस देयर यू विल कम बैक डाउन राइट सो प्रटी मच फाइनेंशियल सेक्टर स्टक लग रहा है मुझे थोड़े डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं सो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें अगर आवरली टाइम फ्रेम की बात करें इट्स नॉट माई कप ऑफ टी इस पर मैं ट्रस्ट इतनी आसानी से करता नहीं हूँ जब तक मुझे यहाँ पर लेट से आप में से बहुत सारे लोग डबल बॉटम ट्रेड करते होंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ट्रेड करते होंगे राइट सो मेरे लिए उनकी डेफिनेशन अलग है मेरे लिए उनकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग है बट वट एवर यू आर लुकिंग फॉर अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पर मैच करती हैं फ्रॉम सॉलिड बाय एक और एक स्ट्रक्चर होता है इस पीस में एंडिंग डाइग्नल राइट सो एंडिंग डायग्नल हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया डबल बॉटम हो गया जो भी आप ट्रेड कर सकते हैं जो भी आप पहचान पहचानते हैं बहुत अच्छी तरह से फाइन दैट और उस पैटर्न के बनने के बाद एंड ओनली देन यू लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी अदरवाइज़ ये जो वेव है ना ये अभी ख़त्म नहीं हुई है देर इज़ अ मोर पेन मे बी पॉसिबिलिटी आपके यहाँ तक ये वेव लेंथ कर देगी और सो right? so, आई थिंक शॉर्ट टर्म इसमें ट्रेड करना है तो शॉर्ट टर्म इंट्राडे आप ट्रेड कर सकते हैं फॉर दी सेल साइड और बाई साइड डज मैटर ये इंट्राडे फिफ्टीन मिनट्स के स्ट्रक्चर पर डिपेंड होते हैं अरे बट right? ये वेव अगर ये जो इम्पल्स है ये सस्टेन नहीं करता ना लेट मी शो यू हाउ डज दैट रिएक्ट सो आपकी यही कैंडल ले लो अगर ये सस्टेन नहीं कराना ना और ये रिवर्स बैक करने लगा तो ये कंटिन्यू करेगा उस केस में आपका निफ्टी पे कोई भी, भी बाय ट्रिगर नहीं होगा बिकॉज इट विल नॉट बी ब्रेकिंग दिस स्ट्रक्चर फॉर अपसाइड एंड जैसे ही आपका ट्रिगर होता है इसमें आप सेल साइड लगा सकते हो बट इंट्राडे उसको आप लगा यहाँ तक रख सकते हो टिल दिस जोन और यहाँ पर आपकी ये ट्रेंड लाइन भेज जाएगी और ये फोर्थ वेव की कंप्लीशन कंप्लीसन भेजाएगी और एक केस यहाँ पर और सुनो जरा और इसकी पॉसिबिलिटी आई मीन कम तो नहीं है बट दिस इज़ एक्चुअली डिफरेंट सन एंड ये एक्चुअली ज्यादा अगर फाइनेंशियल सेक्टर को सुनो मेरी बात गौर से जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में वीकली या मंथली या लेट्स से बिगर प्रोस्पेक्टिव आप सोच रहे हो एग्जीक्यूट करने का सो so ये जो लीडिंग स्ट्रक्चर है यहां पर दिस वन आप चाहोगे कि ये मार्केट यहां से ऊपर ना जाए क्योंकि अगर ये यहां से ऊपर भी चला गया ना इट विल गेट स्टर्क और एट समथिंग लाइक दैट देख सकते हो दो तीन साल का प्लान है एटलीस्ट वन एंड हाफ ईयर का प्लान तो है पर ये ट्रेंड लाइन देखो अगर ये ड्रॉप करता हुआ करता हुआ करता, हुआ, करता हुआ, ये बिगर वीकली स्ट्रक्चर पे बता रहा हूँ तो काफ़ी दिनों बाद ये अप्लाई होगा बता इसलिए रहा रहूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और जस्ट इन केस अगर वो उस टाइम कर दे और उस टाइम आप में से कोई मुझसे पूछना भूल जाए या फिर मैं अपडेट करना भूल जाऊँ तो मेक श्योर sure आपके दिमाग में ये पिक्चर हो फॉर सम रीजन अगर यह बॉटम टैग आउट करता है अरेट एनी रीजन यहां पर आपको कोई बाय सेटअप नहीं मिला आपका मार्केट यहां आ चुका है जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर हैं आपके पास जितने भी आपके पास अच्छी फंडामेंटल स्क्रिप्ट हैं उससे आप यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे और उन बाइंग अपॉर्चुनिटी को सीधा आप यहां के लिए निकालोगे अरेट नेक्स्ट न्यू हाई बट करोगे कैसे सेम थिंग यहाँ पर कोई बाय अटेम्प्ट नहीं होने वाला है और ना ही यहाँ कोई बाइंग आने वाली है ये पूरा का पूरा इसको आप वॉच आउट करो फॉर सम रीजन लेट द मार्केट डिसाइड विदर इट्स टैगिंग और नॉट बट इफ इट डज टैग दिस विद द मोमेंटम एंड विद द स्ट्रक्चर इस वेव में या तो फिफ्थ वेव के कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए या फिर एंडिंग डायग्नल के कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए और लाइट ये कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए सो so, ये कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको यहां मिलते हैं द मोमेंट द टारगेट िल रिवर्स सो दैट्स द स्ट्रक्चर ऑन वीकली अब ये मैंने सारे बता दिए आपको यह सारे बैंकिंग सेक्टर पर लागू होते हैं एक्सिस बैंक हो गया आईसीआईसी बैंक हो गया सो so जो लोग भी डेली uh, या वीकली स्ट्रक्चर या लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव पूछ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट में दिस इज वॉट आई एम एंटीसिपेटिंग एंड दिस इज वॉट आई एम लुकिंग फॉर ऑल राइट सो यह ड्राप मेरे लिए कुछ खास फर्क उसका पड़ता नहीं है बिगर स्ट्रक्चर में एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर ये ड्रॉप आता भी है आई स्टिल लुक बैट बैकअप बट बहुत बड़ी बात है इस वीक के लिए तो आप एक काम कीजिए बस ये ट्रेंड लाइन यहां पर बनाइए और यहां पर कोई भी रिवर्सल पैटर्न ढूंढिए जो छोटा सा आई मीन ये जरूर मैं यहां पर बता रहा हूं लेकिन इसको है ना लाइक क्या बोलते हैं सीधा निकलना थोड़ा मुश्किल है फाइनेंशियल सेक्टर है ना तो जैसे आपके ट्रेंड लाइन है ना शॉर्ट टर्म टारगेट लीजिएगा वन इज टू फोर तक चलेंगे सो तो इस मोमेंट में इसका सिक्स मिनिट पहले निकालो जस्ट अ सेकेंड सो या आप यहाँ पे कोई बाई अटेम्प्ट हो ना निफ्टी में ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर आपको निफ्टी में आ, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो वहाँ पे आप नेक्स्ट हाई एंटिसिपेट कर सकते हैं पर यहाँ पर जो बाइंग आप लगा रहे हो ना इसका सिक्स मिनट तक पहले कंजर्वेटिव टारगेट रखिए और ये आपके अग्रेसिव टारगेट्स हो जाएंगे दैट्स बैंक निफ्टी डेली एंड अ वीकली एंड आवरली स्ट्रक्चर और राइट गोल्ड सो मंथली स्ट्रक्चर इज चेंज एंड दिस इज एक्चुअली टैगिंग दिस राइट ये टैग किया मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि ये टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टैगिंग में एक्चुअली ये जो रीज़न है दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ नाइट मेयर फॉर द ट्रेडर्स जिन लोगों को लाइक वीडियो पढ़ा हुआ है एक एजुकेटिव सेशन पढ़ा हुआ है चैनल पे आई थिंक क्रूड ऑयल का था कि किसका था शायद कॉन्ट्रैक्टिंग वेज करके नाम है या कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट करके नाम है उस आ, एजुकेटिव सेशन का या फिर कुछ लोग इसको हाफ ट्रेंगुलर भी बोलते हैं में वेव होती है ना इसमें तीन होती सो द वे आई लाइक इट अगर डायमंड ढूंढना है या फिर बहुत ट्रेड सेटअप ढूंढना है तो कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट या हाफ ट्राइंगर या कॉन्ट्रैक्टिंग वेज वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट सी इट्स लाइक इट्स लाइक ए कृष्णा राइट उसके बहुत सारे नाम है मैटर आप क्या बोल रहे हो एज लॉन्ग एज यू नो कि आप किसको पुकार रहे हो राइट सो ये जो स्ट्रक्चर आप यहां देख रहे हो अगर ये फोर्थ वेव में या फिर लास्ट करेक्टिव स्ट्रक्चर में आता है लेट मी शो यू अगर मैं उसका स्नैपशॉट दिखा सका आपको तो लेट मी फाइंड दैट ये था ऑयल पर राइट आई गाड इट सो समेयर हेयर सो दिस इज वाट यू हैव द इम्पल्स वे इज द ड्रॉइंग यू हैव द इम्पल्स यू हैवन पीस यू हैव दिस पीस यू हैव दिस पीस टेक्निकली दिस शुड गो एंड दैट्स वाट वी ट्रेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम मेकिंग दैट इज अ फ्लैटिश पैटर्न एंड कम डाउन बट वाट है अगर आप ये टैग कर देते हो और ये लो टैक कर देते हो ये वाला जो केस था और ये जो रिवर्सल था यू नो हाउ डिड आई एग्जैक्टली फिगर दैट आउट ये जो स्ट्रक्चर है ये लास्ट करेक्टिव स्ट्रक्चर है और जब जब कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट या फिर हाफ ट्राइंगर या फिर दिस इस तरह के स्ट्रक्चर लास्ट करेक्शन में आते हैं ना द मोमेंट ये वेव जब ख़त्म होती है ये रिवर्स कर देते हैं एंड बाय ऑल मीन्स दिस इज़ वेरी वेल गुड एंड ग्रेट ट्रेड अपॉर्चुनिटी कुछ केसेस में अगर ये बिगर स्ट्रक्चर खत्म हो ना तो यही वाला पीस आगे निकल जाता है बट फिर भी ये वाली तो चलो बात की बात है पर इसकी पॉसिबिलिटी 95% से भी ज़्यादा होती है आपको शायद ये देखोगे ना तो स्नैपशॉट आपको पता चलेगा ये वाला वीडियो बट गोल्ड के केस में क्या हुआ है गोल्ड के केस में अगर ये पैटर्न वही पैटर्न है एंड दिस इज एक्चुअली हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट सो ये लास्ट में नहीं ये सेकेंड में है और एज ए अदर वर्ड्स में मैं बताऊं तो फर्स्ट करेक्टिव स्ट्रक्चर में जैसे आपकी जब वेव्स शुरू होती है ना जो सेकंड करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है दैट इज वेयर यू आर हैविंग दिस थिंग राइट नाउ सो इस पीस को अगर आप एनालाइज करो डिटेल में ऑयल को देखो जरा

ट्रेडिंग रूम में आई गेस दिस इज दिस इज द सेम सिनारी ये जो एग्जाम्पल था ना वी हैव डिस्कसिंग दिस मे बी इन दी सेप्टेम्बर दस के आसपास सो ट्रेडिंग रूम वालों को कुछ तो एडवांटेज मिलना चाहिए राइट सो वेयर वॉज इट लेट मी चेक अगर मैं स्नैपशॉट उसका लिया है तो मैंने ये जो इम्पल्स है यहाँ पर और ये जो करेक्टिव फेज़ है ये लास्ट नहीं है ये फर्स्ट करेक्टिव फेज है और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वन टू

कुछ रूम अगर मैंने वहाँ पर छोड़ दिया मार्केट के लिए तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है उस तरह के फेज़ में वो बहुत नीचे तक आ जाते हैं और जो रिवॉर्ड होता है आपका वो बहुत इंक्रीज हो जाता है ये सेम प्रोसेस आप लगा सकते हो अगर ये ब्रेकआउट भी करता है तो सेम कैसा आपके यहाँ लग जाएगा सो so, आपने सेल सेटअप्स यहाँ पे प्रेफर करना है जब तक आपका मार्केट इसके नीचे रहे ये जो चंक दिख, दिख रहा है आपको वन और ये वाला जो पीस दिख रहा है दिस वन सो जब तक मार्केट आपका इसके नीचे रहेगा आपने इसे एज अ सेल ट्रीट करना है टिल सेवनटीन and if this is a contraction in the second one this will eventually go so that's how i would attack this market fresh execution ki baat karu to totally humne yahan par dhyan dena hai with this sell setup just a second huh? yep so with this sell setup humne yahan par dhyan dena hai कोई भी बाय सेटअप मेरी बात गौर से सुनो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इट्स नॉट दैट इजी ये आप इसको ट्रेड करने जाओगे ना पूरा अकाउंट आपका यहीं खाली हो जाएगा तो लिसन टू दिस वेरी केयरफुल अगर गोल्ड में बाय देख रहे हो फॉर सम रीजन यहां पर लीडिंग डायग्नल के कैरेक्टरिस्टिक ढूंढो और पहले इंपल्स के कैरेक्टरिस्टिक ढूंढो ऑलराइट जब तक वो ना दिखे डोंट मेक एन अटेम्प्ट सो मेक श्योर यू हैव दोज कंडीशन इन योर वॉलेट टू एग्जीक्यूट दैट वन सो दैट विल बी गोल्ड सिल्वर देख लो सिल्वर आई थिंक इसके क्लूज में गोल्ड से ले रहा हूँ फिलहाल वो आपको एक फ्लैग दे रहे हैं अगर आप इसको चाहो तो बाय कर सकते हो ये जैसे आपके इस जोन में आए इस स्ट्रेट को ब्रेक इवन रखो ऑल सो यू कैन बाय दिस फ्लैग ऑन अ ब्रेक ऑफ दिस स्ट्रक्चर दिस इज़ द मिनिमम टारगेट फॉर दैट एंड आफ्टर दैट आई थिंक सिल्वर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इसके सारे क्लू मैं गोल्ड से ले रहा हूँ सो जब ये यहाँ पर आ जाएगा सो वट एवर योर गोल्ड डज डू विद द सिल्वर सेम ऑल राइट सिल्वर को रीड करने की कोशिश मत करो इट्स इट्स वे टू कॉम्प्लेक्स ऑयल देख लो जरा और ऑयल right, में एक वीकनेस दिख रही है आपको इसका रिफ्लेक्शन यहाँ से मांगना चाहिए लुकिंग फॉर दिस ये ट्रेंड लाइन देखो ये जो पीस है ये जो हाइज हैं ये ऊपर जाएगा एक सेल सेटअप यहाँ पर देखो और उस सेल सेटअप के बाद ये पीस अभी क्योंकि ये पीस आया नहीं है तो आई एम नॉट श्योर ये ए बनने वाला है या डब्ल्यू एक्स वाई बनने वाला है बट फोर्स अगर आप यहाँ पर रीड कर सको और ये ए बी सी पैटर्न कन्फर्म होता है राइट फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी रेड द बुक दे शुड नो द कंडीशन फॉर ए बी सी सो इफ यू फाउंड ए बी सी स्ट्रक्चर देर यू कैन लुक फॉर वन अपर एक ऑयल में आप ये ट्रेड सेटअप देख सकते हो शॉर्ट टर्म है आप इसका रिफ्लेक्शन मांगोगे दैट्स वॉट यू आर लुकिंग फॉर इन ऑयल सो दैट्स ऑल द स्क्रिप्ट फ्रॉम माई साइड नाव हाफ एन आवर मुझे इन चार पाँच स्क्रिप्ट में ही हो गया अब मैं आपकी क्यूरीज एंड क्वेश्चन ले सकता हूँ जस्ट लेट मी चेक सो इंडसन बैंक पर ऑलरेडी डेली एंड वीकली आपने पूछा है इंडसन बैंक ऑन ए डेली स्ट्रक्चर आस्किंग डेली एंड वीकली सेम सिनारी सेम स्ट्रक्चर सी जैसे मैंने बताया सारे के सारे जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है दे आर सेम ये जो पैटर्न एंड ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना ये कोई भी कम्प्लीट नहीं ये पैटर्न का वन सिंगल पीस है ऑलराइट right? अब वो पैटर्न कौन सा है ये जैसे जैसे रिमेनिंग डाटा uh, वहाँ पर आएगा ना वैसे वो क्लियर होगा जैसे ही आप डेली स्ट्रक्चर पर इस पैटर्न को अभी देखते हो जिस हैज ए पॉसिबिलिटी ऑफ सेम बैंकिंग सेक्टर वन टू एंड थ्री पॉसिबल फोर ये ट्रेंड लाइन के आसपास देखो अगर बाय सेटअप आपको मिलता भी है तो ज़्यादा उम्मीद मत करना ये हाई टैग करे तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो पर मेक श्योर sure आप उसको ना यहाँ पर सिक्स मिनट के आसपास भी मेंटेन कर रहे हो हैं सो एक बाय सेटअप अगर आप यहाँ पर देख सके तो आपने जो टाइम फ्रेम पूछा है उस पर तो नहीं बता रहा हूँ लाइक डेली और वीकली पर नहीं है आवरली का ट्रेड सेटअप है बट यस सेम केस अगर डेली वीकली तक आपने एग्जीक्यूट करना है ये टैग करें एंड जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने बैंक निफ्टी में बताए हैं सेम थिंग लाइक फिफ्थ वेव के कैरेक्टरिस्टिक या फिर एंडिंग uh, डायगनल के कैरेक्टरिस्टिक इफ़ यू फाइंड दैट इन दिस वेव गोइंग डाउन यू लुक फॉर दैट वे अरे फ्रॉम टैगिंग द बॉटम इफ नॉट एक नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ट्रेंड लाइन के आसपास मिल जाएगी पर उसमें यहाँ पर मेक श्योर sure आपके पास पहला एम्पल्स हो सो वी हैव ए पॉसिबिलिटी वन टू थ्री एंड द फोर्थ सो लेट्स इफ वी कैन गेट दिस फाइव नॉट इन टे आल लिटरेट सेटअप रिलैक्सो उन्हें ए आवरली एंड डेली इज इट द प्रॉपर स्क्रिप्ट जस्ट लेट मी नो क्योंकि रास्किंग उन्हें ए आवरली एंड डेली सो वी हैव दिस पीस दिस पीस आवरली पर अगर हम देखें एक डाउन साइड है यहाँ पर इस जोन को लेकिन मैं एक अ सपोर्ट ट्रीट करूँगा और इस जोन में अगर मुझे कोई बाय सेटअप मिल सका कहीं पर भी तो आई प्रेफर दैट अपार्ट फ्रॉम सेल सप्लाई लिख दिया उन्होंने वहाँ उसको मुझे बाय करने दो सो इस डिमांड के आसपास सो इफ इफ आई कैन गेट दिस मार्केट डस समथिंग लाइक दैट ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे ऑन अ ब्रेक ऑफ दिस स्ट्रक्चर आप ये एक ट्रेड सेटअप देख सकते हो इसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि आपका ये हाई आपको टैग करेगा बट एटलीस्ट आपको सी वेव ज़रूर मिल जाएगी वहाँ पर सो यू कैन दिस इज योर ए वेट फॉर बी कम्प्लीशन

this one you are asking on a daily day time frame buy signal same case aapke paas ek white candle aaya hua hai aap nazar rakh sakte ho one piece third piece ye bhi fourth wave ki correction hai yahan par aapke paas so most probably आपको यहाँ मिल जाएगा ये लेवल्स देखो same case जो Nifty पे हमने analyze किया है अगर ये लेवल्स मेंटेन करता है इफ़ मार्केट इज नॉट ब्रेकिंग दिस लेवल ये पूरा का पूरा आपका इंपल्सिव फेस होकर ये आपको नेक्स्ट पीज दे देगा विच मीन्स अगर इसको आपको कहीं कहीं पर बाय अटेम्प्ट करना ना तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपके पास यहाँ पर जब आप बाय करोगे तो एक तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन जाएगा आपका उसके बाद आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी वॉट इज़ दैट इन्फॉर्मेशन राइट ये बॉटम होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है या फिर यहाँ पर कोई करेक्टिव uh, स्ट्रक्चर है या फिर एक्शनरी uh, वेव है राइट सो यू वॉन्ट एक्शनरी वेव हियर

तो यहां पर मैं चाहूंगा कि अगर आप सेल कर रहे हो ना तो सेम के देर वॉज आप वही हैं क्या जो लास्ट टाइम यहां पर क्यूरी पूछे थे आपने अगर सेल करना है तो ये जो डिमांड जोन है उसे वॉयलेट होने दें राइट तो सेम केस अगर आपने राइट ना हो इस करंट अप मूव में भी सेल सेटअप देखना है ना सेल सेटअप आपको यहाँ मिल सकता है जो कि बहुत अच्छा सेल सेटअप हो सकता है जैसे आप ये वाला एक सेल सेटअप देखोगे ना अगर आपने सेल करना ही है मार्केट को तो आपको वो स्पॉट पता होना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी पता होना चाहिए सो इट्स नॉट अबाउट कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट पॉसिबल पूरी दुनिया जो कर रही है या फिर देव जो कर रहा है या फिर वो गुरु जो कर रहा है या फिर जिसको भी मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको फॉलो करना है आपने आप जब भी चार्ट को देखो ना किसी भी अपमूव में डाउन मूव में देर आर देर देर आर पॉसिबिलिटीज आपको सेल सेटअप्स भी मिल जाएंगे बाय सेटअप भी मिल जाएंगे राइट right? प्रॉब्लम ये है कि यू डोंट नो हाउ टू रिकोगनाइज दैट सो अगर इसमें सेल करना है तो एज पर मी द बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी यू कैन फाइंड नियर द्रेंड लाइन और वेन द ब्रेक दिस स्ट्रक्चर फॉर द बॉटम राइट सो ये जो सपोर्ट है आपका ये अगर टूटता है तो आफ्टर दैट यू कैन लुक फॉर सेल सेटअप और वो भी रहेंगे शॉर्ट टर्म में राइट अभी कोई बिगर सेल सेटअप नहीं देख सकते बट इफ़ यू आर इन टू बेयर काइंड ऑफ माइंड मेक श्योर यू नो योर स्पॉट टू सेल किसी भी uh, क्या बोलते हैं हर कहीं पर सेल मत कर देना जैसे कि इंट्राडे इतनी बड़ी रैली आई है तो बहुत सारे लोग हैं ना आज सेल सेटअप ढूंढ रहे हैं राइट सो सेल सेटअप की कंडीशंस होती हैं कि कहाँ तक उन्हें सेल सेटअप ढूंढना है जब तक आपका इम्पल्स है और जब तक वो कन्फर्म uh, नहीं हो रहा है तब तक आप सेल सेटअप ढूंढ सकते हैं जैसे ही वो इम्पल्स कन्फर्म हो जाता है आपको पता चल जाता है कि देर इज़ बाइंग कमिंग इन टू द मार्केट सारे सेल सेटअप अवॉइड करने होते हैं सो नेक्स्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी नियर द ट्रेंड लाइन और आफ्टर दिस स्ट्रक्चर सो दैट्स हाउ यू कैन लुक फॉर सेल सेटअप इफ यू आर इन टू बट आई वुड से लाइक उस सेल सेटअप के पैसे पहले इस इम्पल्स पर जरूर नजर रखेगा अगर ये करेक्ट हो जाए तो सेल की जगह इसको ज़रा एक अटेम्प्ट कीजिएगा दैट इज़ अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मदरसन सुमी अ वन आवर टाइम फ्रेम ऑल राइट मदरसन सुमी देख लेते हैं सो दिस वन वन आवर स्ट्रक्चर डेली स्ट्रक्चर ऑल राइट ही वी हैव डब्ल्यू एक्स वाई ही ऑल्सो ये डब्ल्यू एक्स वाई में बता रहा हूँ लाइक कहीं ए बी सी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है सेम केस आप यहाँ पे लगा सकते हो ये भाई डब्ल्यू एक्स वाई देर इम्पल्स देखो इफ दिस गेट्स करेक्टेड ये रही आपकी ट्रेड और राइट दिस इज योर ट्रेड जो होगी नेक्स्ट एक्स के लिए और राइट right? आप एंटिसिपेट कर सकते हो यही निकल जाए तो वेल एंड गुड बट इस तरह के पैटर्न में वो आपको एक वेव और नीचे दे सकते हैं ज़रूरी नहीं ये ट्रेंड तक आए बस ये इतना भी करके एक नीचे आ सकती दैट विल बी स्टिल डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड बट इसके लिए बाय करना ज़रूरी है जस्ट इन केस अगर ये निकल रहा है तो सो इंस्टेड ऑफ दिस करेक्टिव स्ट्रक्चर ये ये वाला रहा तो राइट सो यू हैव टू मेक श्योर सेम केस आप निफ्टी का जो केस है वो यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बॉटम पे नजर रखिए ये भी वो बॉटम है जिसे मैं पसंद नहीं करता ये क्लियर कट बॉटम नहीं है यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगता है कि ये सॉलिड होल्ड uh, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा क्वेश्चन मार्क दिमाग में रहता है तो ये भी डब्ल्यू एक्स वाई वाला वही बॉटम है सो so इस पर मुझे इतना ट्रस्ट तो नहीं है बट कोई भी सॉलिड पैटर्न अगर मुझे वहाँ मिल जाता है ना तो दैट टाइम यू कैन एक्चुअली लुक फॉर दिस मूव वेरी इजिली अरे दैट्स मदरसन सोमी हेलो सर पी वी आर डेली हेलो स्वरूप पी वी आर डेली पर एंड वीकली पर ठीक है देख लेते हैं पी वी आर पी वी आर ये वही स्क्रिप्ट है जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं वो ए बिगर प्रस्पेक्टिव ऑलरेट ये वेव को ख़त्म होने के बाद यहाँ पर हमें ना एक एंटिसपेशन कर रहे हैं दिस वन सो एंडिंग डाइगनल एंड ऑफ द मूव एनी बाय सेटअप लुक फॉर दैट जैसे ही आपका एक फंडामेंटली सपोर्ट और मिल जाएगा ना जैसे आपकी इकोनॉमी खुल जाएगी पूरी तरह से पी वी आर के लिए और लुकिंग फॉर दिस डायरेक्शन दैट्स द बिगेस्ट थिंग सो अगर वीकली और मंथली पर आपने किसी को ट्रेड करना है तो एक पी वी आर पर नजर रख सकते हो इस वेव पर नजर रखो मार्केट इज रिप गिविंग यू अ वेरी नाइस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी गो विथ दैट दैट्स पी वी आर इसके अलावा माई व्यू ऑन एस बी आई एंड वीकली स्टेट बैंक सेम केस आपका बैंकिंग सेक्टर एंड स्पेशली जो बैंक स्टेट बैंक है दिस गवर्नमेंट बैंक इस सपोर्ट के आसपास नजर रखो देट लेवल ये सेम केस है आपका ये जो वेव है इसमें मोर पोटेंशल हो सकता है बैंक निफ्टी जैसा वेव है वो सो नेक्स्ट पॉसिबल बाइंग और नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट अगर आप देखना चाहें तो वन सेवेंटी देख सकते हैं एज लॉन्ग एज आपकी स्टेट uh, बैंक 170 के ऊपर रहता है जब तक आपके ये सपोर्ट होल्ड ऑन करता है और जब तक एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर फॉर दोज पीपल हु आर ज्वाइनिंग दिस सेशन आई डोंट नो ये यूट्यूब पर जाएगा कि नहीं जाएगा पर अगर ये यूट्यूब पर चला गया सो so, आप याद रखें कि यूट्यूब पर एडिटेड वर्जन देख रहे हैं सो इट विल बी बेटर ऑफ इफ़ यू कैन जॉइन द सेशन लाइव बिकॉज एवरी वंस इन वाइल आई थ्रो अवे समथिंग विच आई नो राइट समथिंग लाइक दिस सो ज्वाइन करने के लिए मैं बता दूँ जो लोग यूट्यूब पर इसे बाद में देख रहे हैं आपको ये टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर आपको हर वीक इस सेशन की लाइव आई डी मिल जाएगी जिससे आप जॉइन करके सेशन अटेंड कर सकते हैं सो द की और जो एजुकेटिव सेशन जो आप यहाँ पर अटेंड कर रहे हो वो आप देखोगे द एडवाटेज आपको ये है इस सपोर्ट के पास ये जो इम्पल्सिव फेज़ है ये जितना स्लो आएगी उतने ज्यादा चांस हैं आपकी इस वेव के यहां निकलने के राइट सो दिस इज़ समथिंग ये जो स्लो आने का फेज होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इन टू एंडिंग डायग्नल स्ट्रक्चर सो इफ आई कैन सी दैट स्टेट बैंक को स्पेशली मैं बता रहा हूँ ये स्टेट बैंक ऐसा स्क्रिप्ट है जिससे मैं ना तो फर्स्ट टिपल्स पे ट्रस्ट करता हूँ ना ही कोई रिवर्सल पैटर्न पे ट्रस्ट करता हूँ समथिंग लाइक डबल बॉटम और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर समथिंग लाइक दैट बट फ आई कैन सी ओनली एंडिंग स्ट्रक्चर देयर मतलब कि ये जो वेव है इसका फिनिश पॉइंट अगर हम वहां देख सकें यहां पर विल लुक फॉर ए ट्रेड फॉर दिस और मे बी अब राइट स्टेट बैंक लास्ट होप फॉर दिस मार्केट दैट्स स्टेट बैंक अब ये वीकली पर तो नहीं है आई थिंक अगर वीकली पर आपने पूछा था आवरली पर, पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां पर ट्रेड सेटअप बन रहा है so when you look at this weekly structure, एक्चुअली ये भी वही बात है ये बॉटम नहीं है बट इट्स वेरी रेजम्बल टू दिस होपफुली फुली वी आर लुकिंग फॉर यहाँ से जो बाय आएगा ना आपका हम लोग इस पर टू फिफ्टी के टारगेट देख रहे हैं अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है ना वी आर लुकिंग फॉर टू फिफ्टी टारगेट इन स्टेट बैंक आज चल रहा है वन एटी टू थोड़ा बहुत और नीचे जाएगा दस एक रुपये एंड जो स्ट्रक्चर uh, मैंने बताया है इफ़ यू कैन फाइंड दैट स्ट्रक्चर एंड रिकोगनाइज दैट जस्ट मेंटेन इट टिल टू फिफ्टी दैट्स स्टेट बैंक फ्रॉम माई साइड इसके अलावा आपकी क्यूरी हैं आई बुल हाउसिंग पर एंड पीवीआर पीवीआर ऑलरेडी मैंने बता दिया मैं आई बुल बता देता हूँ सो so, आई बुल स्ट्रक्चर व्हाट टाइम फ्रेम यू आर लुकिंग फॉर एंड डेली टाइम फ्रेम डेली स्ट्रक्चर आई वुड से स्टे अवे फ्रॉम दिस वीक आई थिंक आई बुल से तो इट्स नॉट दैट ग्रेट नेक्स्ट वीक पूछे तो ज़्यादा अच्छा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन

उसके अलावा आप सेल्फ ट्रेनिंग पर ध्यान दें जैसे कि फ्री सेशन फ्री वेबिनार जो होते हैं वो अटेंड कर सकते हैं लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइम लगेगा ये सब करने में आपको क्योंकि आप खुद से वो करना चाह रहे हैं राइट अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग में सो so, अगर आप कहीं भी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं सेल्फ ट्रेनिंग में बिलीव करते हैं आई थिंक आप बुक्स पढ़ सकते हैं राइट एजुकेटिव फ्री सेशन अटेंड कर सकते हैं जो मैं यहाँ पर कंडक्ट करता हूँ या फिर जिसे आप ट्रस्ट करते हैं राइट तो दोज थिंग्स विल हेल्प यू टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए बट येस इट्स टाइम कंज्यूमिंग फॉर दोज हु कैन डू द ट्रेनिंग दैट्स ग्रेट उनके पास जो लर्निंग कर्व है वो छोटा हो जाता है तो जहाँ तक इतना टाइम लगना था वहाँ इतने टाइम में आप पहुँच सकते हो पर जो मैं समझ सकता हूँ कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कई लोग नहीं करना चाहते हैं कई लोगों को लॉसेस इतने बड़े हो गए मार्केट में कि आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए कुछ बचे ही नहीं है राइट सो रैंडम ट्रेनिंग दो पाँच हज़ार की ट्रेनिंग बॉलेंजरबैंड मैगडी सी पी आर कर लोगे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है सेम केस बाद में भी सो so, अच्छा ये है कि आप अपनी कैपिटल बिल्डअप करें साथ में और उसके साथ साथ ऐसे जो वेबिनार्स होते हैं जहाँ से आपको कुछ लर्निंग के लिए मिल सकता है कुछ बुक्स हो सकती हैं वहाँ पे आप उनको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें तो आपकी कैपिटल भी बिल्डअप हो जाएगी और तब तक आपको नॉलेज भी मिल जाएगा और सो so बुक्स अगर आपको चाहिए तो आप, आप वेबसाइट से लाइक ऑर्डर like कर सकते हैं पर उसके पहले भी अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो एक जस्ट टेलीग्राम पर एक अपडेट कर दीजिए एक मैसेज कर दीजिए विल सेंड यू सम पी डी जिसे आप पढ़ सकते हैं दैट विल हेल्प यू जस्ट एज यू मेंशन जस्ट एज यू मैंशन द लेवल्स इन अर्लीअलर बोथ आई बुल पी वी आर आर एट दो यस पी वी आर तो अभी भी करेक्ट है आई बुल लेकिन जो है ना ये लेवल तो वही है पर इसकी ये जो इम्पल्सिव और यहाँ ये जो एक्सटेंशन आई है इस वेव की दैट इज लाइक स्टिल ट्रिकी बट आई वुड से अगर फिर भी आईबुल में अगर आपने लाइक like, ट्रेड सेटअप ढूंढना ही है लिटरली मेरे हिसाब से वो अभी रेडी नहीं है अगर आप इसको फिर भी ट्रेड करना चाहें तो प्लीज़ रन योर एनालिसिस एंड वेरी केयरफुली ट्रेड राइट मुथुत फाइनेंस ऑन ए डेली स्ट्रक्चर मुतुत हाउ डू टाइप दैट एम यू टी एच ओ ऑ ऑल राइट यू आर आस्किंग दैट ऑन डेली स्ट्रक्चर ऑन ब्रेक ऑफ दिस स्ट्रक्चर या कोई भी फ्लैग अगर आप, आपके एक्चुअली आप लेट हो चुका यहां पर यहां पर वन आवर पांचवी वेव लगेगी ये जो इंपल्स है क्रूड ऑयल की तरह रहेगा ऑल राइट सो अगर यही इंपल्स आपका डीप आ गया और अगर आपको यहाँ कोई बाय सेटअप दे दिया तो इस बाय को आप या तो हाईस के लिए रख सकते हैं या फिर मोस्ट हाई के लिए रख सकते हैं पर अगर यही हाई ऐसे करके एक ब्रेकआउट इसने दे दिया गलती से बाय मत करना भले ये चला जाए ये टर्न बैक करेगा सफ़र करोगे अगर उस ब्रेकआउट को बाय किया तो इट्स समथिंग लाइक दैट देखो ये वाला ब्रेकआउट ये फ्लैग दिखा है यहाँ पर ब्रेकआउट कम्स बैक डाउन सो so, गलती मत करना इसको भी बाय करने का भले वो चले जाए इट डजेंट मैटर बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे ब्रेकआउट बाय करना बेवकूफ़ी होती है कौन बाय करता है यहाँ पर सो आई वुड प्रेफर अगर यही इंपल्स नीचे पुल बैक करता है कुछ ऐसा करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है बेस्ड ऑन दैट यू कैन लुक फॉर द बाइस क्योंकि मैं डेली स्ट्रक्चर से ये वाला जो फेज आउट हुआ है इसका एंड ढूंढ रहा हूँ तो मैं इसकी रिफ्लेक्शन ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर सो आई लुक फॉर दिस ट्रेड सेटअप इफ़ यू आर विद दैट अगर मुथूत फाइनेंस में कोई ट्रेड मुझे करना है ना तो आई विल गो विद डैट फन सो मेक श्योर यू आर ऑल्सो प्लानिंग द सेम इफ दैट संक्रइज विथ योर एनालिसिस राइट ऑलवेज रिम्बर दिज आर नॉट रिकमेंडेशन दिस इज माई व्यू माई प्रस्पेक्टिव ऑन द चार्ट वे आई नो एंड रीड द पैटर्नस देव सिंपली लव यू अच्छा पार्कर जी आप हैं आज तो आज ने छोटा सा एक सिंपल छोटा सा लाइन भेज दिया राइट आप हर बार बड़े मैसेज भेजते हैं बट थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉम्प्लीमेंट एंड लवली मैसेजेस ओके कीप देम कमिंग धीरू जी बोल रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो है जिसमें आप पैटर्न के बारे में उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं आपने पर मैं समझ गया पैटर्न के बारे में पूछ रहे हैं यूट्यूब पर आप जाएंगे ना तो एक प्ले का सेक्शन आता है उस प्ले में एक एजुकेटिव प्लेलिस्ट है उस प्ले में पैटर्नस मिल जाएंगे इम्पल्स मिल जाएंगे जो भी एजुकेटिव सेशन मुझे जब जब टाइम मिलता है मैंने जब जब, जब कंडक्ट किए हैं रिकॉर्ड किए हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे तो एक प्ले वाला जो टैब है आप वहाँ से उसे देख सकते हैं बाकी लाइक आप आप तो ऑलरेडी टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं तो एवरी वंस एंड एवल जब भी मुझे टाइम मिलता है या तो मैं कोई सेशन रिकॉर्ड कर दूंगा या फिर एक एजुकेटिव सेशन फिर से कंडक्ट कर लूँगा सो स्टेट्यून प्लीज लेट मी नो वट वी शुड डू वैन कैंडल डज नॉट गेट प्रिंटेड ऑल राइट ऑन द स्क्रीन एंड हाइड द स्प्रूट गैपअप एंड गैप डाउन प्राइस मैं क्वेश्चन समझा नहीं हूँ आई थिंक थोड़ा सा मुझे थोड़ा एलोबरेट कीजिए अदरवाइज उस पर मैं कुछ भी आंसर करता हूँ उससे कोई मतलब नहीं है आई टी सी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम राइट आई टी सी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम आई टी सी कमिंग डाउन not giving any sign weekly structure monthly structure hum log reversal anticipate kar rahe hain for some reason but people are not buying it right next week puche to zyada acha hai yahan sell karne jaisa kuch bhi nahi hai agar trade setup dhoondna hai देखो ये जो wave गिरना start हुई है ना इससे अपने आ, क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर नहीं बदलते हैं ये जो लाल लाल पीस यहाँ दिखता है आप ये ऐसे कह सकते हो ये होता उन्हीं के लिए है कि जो जिनका दिल कमज़ोर होता है या फिर जिनका एनालिसिस कमजोर होता है हमने सिर्फ यहाँ पर वेट करनी है हमारे सेटअप की हमारी स्ट्रैटेजी की द मोमेंट वी सी दैम एंड वी कैन सी दैम वेरी क्लियरली फर्स्ट इम्पल्स विल गेट द फर्स्ट इम्पल्स और द एंडिंग डायग्राम द मोमेंट यू गेट एनी स्ट्रक्चर फॉर द रिवर्सल आप यहाँ पे दो काम करोगे या तो इसे मंथली के लिए बाय करोगे अरेट जस्ट इन केस अगर यहीं से मंथली आपकी वेव स्टार्ट हो रही है फॉर दी नेक्स्ट हाई अरेट बट दैट्स टू मच पर अगर वो नहीं भी कर रहे हो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो इतना रिफ्लेक्शन आप एक अगली वेव से मांग सकते हो जो अगर अपीयर हो सकती है तो इस ट्रेंड के बाद हो सकती है सो दैट विल बी आई टी सी फ्रॉम माई साइड गैलेक्सी ये तो मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ सरफैक्टेंट ऑन देख लेते हैं गैलेक्सी अच्छा ये वाला व्हाट टाइम फ्रेम वीकली चार्ट मंथली चार्ट नहीं ऑल टाइम हाई है नथिंग फ्रेश सेल सेटअप है अभी तो वीक सोलह सौ पचास तक आ सकता है नेक्स्ट वीक पूछिएगा सेटअप वाइज वहाँ कुछ नहीं है अगर फिर भी इसको इंटरेस्टेड है आप ट्रेड करने में तो आई गेस इस लेवल तक आप सेल कर सकते हैं सोलह तक राइट right नाउ मत कीजिएगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आ जाएगा यहाँ तक राइट सो right? so, इस तरह से आप कर सकते हैं और राइट ही कैन यू प्लीज़ टेल मोर अबाउट योर ट्रेनिंग नहीं ट्रेडिंग कैन यू प्लीज टेल मोर अबाउट योर ट्रेडिंग रूम इन डिटेल्स प्लानिंग टू जॉइन फ्रॉम मंडे इफ इट फिट्स मी और राइट फिट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर राइट right? फिट्स का देखो ऐसा सीन है आपको फिट करता है कि नहीं करता इसका बहुत सिंपल सा आंसर है देखो आपको ये एनालिसिस आप यहाँ पर देख रहे हो आप यहाँ पर जो प्रस्पेक्टिव है मार्केट का जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की वो आप यहाँ पर समझ पा रहे राइट नाउ थिंक अबाउट की ये एवरी वीक फ्राइडे को आकर मैं आपको यहाँ पे लाइक प्रोवाइड like, करता हूँ थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ सेशन इससे ज़्यादा डिटेल में इससे ज़्यादा अच्छे से प्योर एंट्री स्ट्रैटेजी मतलब जैसे मैं एज ए स्ट्रैटेजी एक्ट करता हूँ जो मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट में फॉलो करता हूँ राइट right? सो so, अगर आप चाहो तो ट्रेडिंग रूम के जो सेशन है उन ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा फिट हैं जो पिछले छः महीने का अगर, अगर अपना लाइक like, परफॉर्मेंस देखें और वो अपनी परफॉर्मेंस से अगर हैप्पी नहीं है या तो स्ट्रगल कर रहे हैं राइट या फिर वो ट्रेडर्स जो परफॉर्मेंस से है, खुश हैं पर फिर भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उनसे एक्चुअली कभी भी नेक्स्ट इम्पल्स नहीं पकड़ते बनती राइट आप क्या करते हो आप इम्पल्स में बाय तो यहाँ कर लेते हो लेकिन आप एग्जिट कर देते हो तो यहीं पर नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग यू नो कि आप यहाँ पर आपका मार्केट आ गया सो so, आप क्या करते हो यहाँ मार्केट से लड़ाई करके इतना निकालते हो फिर क्योंकि आपने बाय कर लिया तो इसको यहाँ पे फिर सेल करने लगते हो राइट आपको एक रिलायंस का एक पीस याद होगा अगर आप ट्रेडिंग रूम की ही बात कर रहे हैं तो रिलायंस का लेट मी चेक ट्रेडिंग रूम आई एम नोट श्योर अगर आपने रिलायंस ट्रेड करा है कि नहीं बट ट्रेड करा तो आप, आप ही मुझे बताएं आपने इस पीस में क्या करा होगा राइट सो आई एम बहुत सारे लोगों ने यहाँ सेल सेटअप बाय बाट बहुत कुछ खिचड़ी ऊपर नीचे सब कर दिया होगा राइट पर थिंक अबाउट कि अगर आप उस टाइम ट्रेडिंग रूम में हो और अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है और आपको बार बार गाइडेंस मिल रही है कि इन टॉप्स पे बिल्कुल सेल नहीं करना है जब जब आपका मार्केट बॉटम में आता है आपने बाइंग देखनी है और उस बाय में से किस बाय को रखना है किस बाय को नहीं रखना राइट right? कब रखना है क्यों रखना है ऐसा क्यों हो रहा है सो so, उसके बाद स्ट्रेटी भी कहाँ ले सकते हो अगर आप चलो यहाँ बाय कर रहे हो तो एस बता दो कहाँ रखोगे राइट सो आई डू शेयर बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर एंड दिस पैटर्न कहाँ पर एस रख सकते हैं बेस्ड ऑन दैट कभी कभी ट्रेडिंग रूम में एक्सक्यूज मी कभी कभी ट्रेडिंग रूम में वन इज टू टू वन इज टू वन इज टू टू तो मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट्स है ही पर वन इज टू टू वन इज टू फोर समाइम टेन वन इज टू ट्वेंटी तक की ट्रेड्स हम ढूंढ लेते हैं जस्ट बिकॉज वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी और सो फिट करता है कि नहीं ये तो आपकी लास्ट की सिक्स मंथ की परफॉर्मेंस आपको बता देगी राइट अगर आप स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो तो डेफिनेटली फिट करता है अगर आपके प्रॉफिट जो हैं एक डिसेंट से हैं लेकिन आपको इनक्रीज करना है राइट तो भी आपके लिए फिट करता है होता क्या है एग्जैक्टली इसी एनालिस का जो सेक्शन है लाइक सो ये आफ्टर द मार्केट है फ्राइडे को है इमेजिन इसी तरह का सेशन हर दिन 10 बजे से 12 बजे तक लाइव इन द मार्केट वेर आई कैन सी आप जहाँ पर भी ट्रेड ले रहे हैं आई कैन गाइड यू वेदर इट्स अ गुड ट्रेड और नॉट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई कैन शो यू समाई गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज राइट सो वी हेल्प ट्रेडर्स टू लुक फॉर the opportunity or we help trader to find the best ट्रेडिंग and investment opportunities सो दैट्स वॉट आवर ट्रेडिंग रूम इफ दैट फिट्स यू जो लोग सिग्नल ढूंढ रहे ना कि देव मुझे आपकी ट्रेड बता दो एक्जैक्टली exactly, या फिर बस मुझे मंडे को बता दो बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा या फिर निफ्टी कहाँ जाएगा या गोल्ड कहाँ जाएगा यूएस ऑयल कहाँ जाने वाला है जो भी आप ट्रेड करते हो मुझे बता बस सिग्नल सर्विस नहीं है देखो अगर सिग्नल सर्विस चाहिए ना ट्रेड्स ट्रेड्स के बिल्कुल सेटअप चाहिए कुछ नहीं चाहिए उसके पीछे जैसे कि ट्रेडिंग रूम में मैं रीजंस बताता रहा हूं कि मैं, मैं अगर वहां पे बाय देख रहा हूँ या सेल देख रहा हूँ तो वाई एम आई लुकिंग एट दैट बट अगर आपको सिर्फ चाहिए कि यहां बाय करना है यहां सेल करना है यहाँ टारगेट लगाना है तो मेरी बजाय अगर आप एडवाइजरी को फॉलो करें अब रिजल्ट उसके क्या होंगे वो तो एडवाइजरी और आप जाने पर आई थिंक देन यू आर लुकिंग फॉर एडवाइजरी सर्विस सो इंस्टेड ऑफ अस ट्राई एडवाइजरी बट फॉर दोस्ट ट्रेडर हु आर लुकिंग फॉर सपोर्टिव सिस्टम और लाइक uh, like, अगर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है एजुकेशन के साथ रीजंस के साथ देन यू कैन कंसीडर आवर ट्रेडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आई